सबसे बड़ा सराया है जहाँ सबसे सस्ते रूम जिसको जिसको हम, तो हमको पुलिस वाले अंकल हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच गए अमृतसर और हम किसी का इलाज करवाने के लिए आए थे यहाँ पे। Hey guys, good morning. आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम सुबह के 5 बजे का और हम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? तो गाइस आज हम जा रहे हैं अमृतसर और सुबह सुबह बैग वगैरह लेके निकल चुके हैं अपने सफर की ओर। तो गाइज मैं बता देती हूँ आप लोगों को अमृतसर हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि निखिल का वहाँ पे इलाज चल रहा है। तो आप समझ जाओ अमृतसर में क्या इलाज चलता है। कुछ भी नहीं सही में, लेने के लिए कुछ भी कर लेगी ये लड़की। व्यूज लेने के लिए नहीं गाइज, इसके इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उस चीज की। तो गाइज हम लोग अमृतसर जा रहे हैं, तो सबसे सस्ते में जा रहे हैं हम लोग और मजा आएगा हमें घूमने में, और थोड़ा बहुत काम भी है अमृतसर में तो हमें पूरा मजा आने वाला है। काम तो आपको मैंने बता ही दिया क्या काम है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन, अपनी पार्किंग में लगा दी हमने स्कूटी, अब चलते हैं। तो उस साइड से चलते हैं ना, भैया को प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे पार्किंग ने मेरे नहीं लगानी। नहा धो के मस्त तैयार होके पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमने पकड़ी है 150 रुपए की टिकट और अब हम जा रहे हैं अमृतसर बहुत सस्ते रेट में, और वहां पे जाके होटल ढूंढेंगे 500 से 700 के बीच में। तो अभी हमारी भैया जी, अरे हमारा डब्बा नहीं आया अबे। हाँ मेरे को पता था तू डी में ही जाएगा क्योंकि तू डी क्लास है। ये बी क्लास है। करवाने के लिए आए थे यहाँ पे, जो कि अभी हम जा रहे हैं, और यहाँ पे मेरा न्यू फ्रेंड भी मिल गया है जो कि आगे आगे चल रहे हैं। तो गाइस अभी हम अमृतसर में आए हैं बट लेकिन हम एड्रेस वगैरह भूल चुके हैं, कहाँ जाना है हमने कहाँ नहीं जाना। तो हमको पुलिस वाले अंकल हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला है कि फ़ोन मिला दो हम खुद बात करके पूछ लेते हैं कहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे यार पुलिस वाले कितनी अच्छी हेल्प कर रहे हैं हमारी, खुश हो गया दिल। तो गाइस अभी हमें मिल गया यहाँ पे ऑटो, और जैसे कि ये भी एक टेम्पू है बट लेकिन हम लोग टेम्पू में जा रहे हैं। अभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं भैया, अपने आप ले जाएंगे हमें। पुतलीगढ़ जा रहे हैं गाइस, पुतलीगढ़। तो ठीक है, पुतलीगढ़ जाके मिलते हैं आपसे। सो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं बाहर, और इसके बाद हम जा रहे हैं अमृतसर की मार्केट में, मतलब गलियों में जहाँ पे गोल्डन टेम्पल है ना उसके पहले बहुत सारी मार्केट है। हम वहाँ पे घूमेंगे खा पी के मस्त तैयार होकर निकल गए हैं फिर से वापस अपने सफर के लिए। और सबसे आगे जा रहा है ईशु, मणि और रीचू, और साथ में आप सबका चहिता निखिल। और भाई अमृतसर में ना बहुत अच्छी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि पुलिस वाले ने इतनी अच्छी अपनी हेल्प करी ना यार, कोई पुलिस वाला नहीं करता। या तो पुलिस वाला बोल देता है भाई पता नहीं मुझे या कुछ। और हाँ सबसे सस्ते में हम अमृतसर आ चुके हैं। अमृतसर हम सबसे सस्ते में आए हैं गाइस, 150 रुपए टिकट में हम अमृतसर पहुंच गए। उसके बाद उसके बाद हम घूम रहे हैं और यहाँ पे कपड़े बन रहे हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग मार्केट वगैरह में पहुंच चुके हैं, और रीचू यहाँ पे कपड़े बेचने का काम स्टार्ट करने वाली है, जो कि भैया ने मुझे बोला कि 50-50 में कर लेते हैं पार्टनरशिप पे, पर मैं करना नहीं चाहती। तो अभी मैं इसके लिए 100% लेना चाह रही हूं, इसको मंजा लगवा के दे रहे हैं। तो अभी इसके लिए मैं जगह ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ मंजा लगाना है। अरे यार ये कैसन हॉरर मारता है यार, सिटी मारता है यार। तो अभी फिलहाल मंडी में बहुत ज्यादा सेल चली हुई है और मंजे लगे हुए हैं जगह जगह पूरी चू। ये है भीमराव चौक। तो अभी हम लोग वहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, ये जो देख रहे हो ना, इस
इसको बुक, इस पर रहने के लिए ना हमें एक महीने पहले बुक करना पड़ता है, क्यों भाई? यहाँ का सबसे बड़ा सराया है, हाँ, जहाँ सबसे सस्ते रूम जिसको जिसको हम ये भी कह सकते हैं ये धर्मशाला है ना, एक तरह की धर्मशाला है, बट लेकिन इसको बुक करने के सबसे बड़ी सराया है यहाँ। और इसको बुक करने के लिए ना गाइस एक महीने पहले हमें बुकिंग स्टार्ट करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है ना, तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है मिलना। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो एक घंटे एक महीने पहले इसको बुक कर ले। भैया देखो लोगों एक बात बता दूं, मेरे को यहाँ के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो इसलिए मैं ज्यादा व्लॉग नहीं बना रही हूँ। मैं बोल रही हूँ निखिल तू बना ले, तू पहले आया हो यहाँ पे, पर ये बहुत ज्यादा गंदा है, ये बना ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा व्लॉग में, बोले आगे के बना कुछ नहीं रहा है, बना रहे ना ये बिल्कुल नहीं आता, इसको मैं सब सिखा सिखा ना फिर। खुद तो कैमरे के आगे डर रहा है, हाँ, है? खुद तो कैमरे के आगे डर रहा है, खुद तो अच्छा। कैमरे के आगे डर रहा है, तू तो नहीं डरता ना, तू बना ठीक है मैडम, हाँ बना। चलो गाइस मैं अब व्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ से, और आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, ठीक है? तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं जलियांवाला बाग में, और यहाँ पे आप सबको पता है कि क्या हुआ था, और वहाँ पे भी बहुत कुछ है, वहाँ पे भी बहुत कुछ है, क्या क्या है मैं सब आपको दिखाऊंगा। और रिचू अभी चल रही है आगे, इशू वहाँ पे और मणि यहाँ पे, और मैं आप सबका चाहता निखिल यहाँ पे, और वहाँ पे दिखाता हूँ मैं। हमने आप लोगों को बताया नहीं कि इशू कौन है, इशू है निखिल का बेस्ट फ्रेंड। अरे 10 रुपए गिर गए, ओ 10 रुपए गिर गए तेरे, उठाने नहीं क्या है? मेरे नहीं है, तेरे ही है। तो गाइस अभी हम लोग अंदर से दर्शन वगैरह करके आ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट में घूमने फिरने फिर से, क्यों गाइस? यो, और हमें दर्शन करके बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, हमें सुकून मिला, हाँ सुकून मिल गया अंदर जाके। अगर हमें और भी मौका मिले यहाँ आने का तो हम दोबारा आएंगे। और गाइस मैं आप लोगों को एक चीज बता दूँ, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे अपनी सेवा करने, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है कितनी सेवा करते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं 5 रुपए की पेप्सी पीने के लिए। भाई जो अमृतसर आके आइसक्रीम ना खाए वो तो क्या कर रहे हैं। सो गाइस अभी हम लोग घूम फिर के आ गए हैं अंदर से बाहर, पूरी मार्केट घूम गए। पैदल घूमने में जो मजा है ना गाइस वो किसी चीज में नहीं है। लोगों के पास गाड़ी भी है, स्कूटी भी है, मोटरसाइकिल भी है, रिक्शे भी आते हैं यहाँ तक अंदर तक पूरा घुमा सकते हैं आपको, बट लेकिन पैदल घूमो और इंजॉय करो इस मोमेंट को। ठंडा नींबू पानी लेमन सोडा घूम के तेरा ग्लास। अरे वो बोलेंगे तभी।